दोस्तों सोचो आपके पास कोई ऐसा तरीका हो जिससे आपको डेली ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि कब किस स्टॉक को बाय या सेल करना है और वो लिस्ट खुद भी अपडेट होती रहे, तो इससे आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करना कितना आसान हो जाएगा। तो अगर आज से पहले आपके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं थी तो अब होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले nseindia.com की साइट पे जाना है। यहाँ पे ऑल रिपोर्ट्स का एक सेक्शन होगा। इस सेक्शन में जब आप थोड़ा नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको भाव कॉपी नाम की एक फाइल नजर आएगी। आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद इस तरीके से एक जिप फाइल आपके सामने आ जाएगी। आपने इस फाइल को ओपन कर देना है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक एक्सेल फाइल होगी जिसको आपने खोल लेना है। जब आप इस एक्सेल फाइल को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 2300 से भी ज्यादा स्टॉक्स का डेटा देखने को मिलेगा। इस डेटा में आपको स्टॉक का नाम, उसकी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस और लास्ट प्राइस के अलावा बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ कंट्रोल प्लस ए दबाना है जिससे सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल प्लस सी दबाना है जिससे सारा डेटा कॉपी हो जाएगा। अब जब आपने सारा डेटा कॉपी कर लिया है तो इसके बाद आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर गूगल शीट्स लिखकर सर्च करना है। जब आप गूगल शीट्स पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ब्लैंक शीट ऐड कर लेनी है, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नई गूगल शीट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब जो सारा डेटा हमने वहाँ पे कॉपी किया था उस डेटा को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर सकते हैं। अगर इस तरीके को देखकर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही मुश्किल तरीका है, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा, तो डोंट वरी, ये जो स्प्रेडशीट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वहां से डाउनलोड करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज आप तभी कर पाएंगे जब आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो अब जो हमारा डेटा है ये गूगल स्प्रेडशीट पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे एक सेक्शन है टोटल ट्रेडेड वैल्यू का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे शॉर्ट Z2A का ऑप्शन आता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर जिन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू NSE में ट्रेड हो रही है वो स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे। जैसे रिलायंस, इन्फोसिस और ICICI बैंक यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से नीचे की तरफ रैंक हो चुके हैं। तो अब इस लिस्ट में जो ऊपर के 100 स्टॉक्स होंगे वो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो NSE में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं या जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा NSE में ट्रेड हो रही है, तो हमने उनको कॉपी कर लेना है और बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं उनको कॉपी कर लिया है। अब आपको नीचे प्लस का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई स्प्रेडशीट खुल जाएगी। यहाँ पर आप उस 100 स्टॉक्स को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास टॉप 100 स्टॉक्स आ चुके हैं, लेकिन रुको, जरा सबर करो, इससे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग पर यही 100 स्टॉक्स बढ़ेंगे, ये नीचे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें फर्दर एनालिसिस करना होगा, जिस एनालिसिस के लिए हमें सिर्फ स्टॉक का सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे जो बाकी डेटा है उस डेटा को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके उसके बाद डिलीट के बटन पे जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस डेटा को डिलीट करने के बाद अब हमारे सामने सिर्फ स्टॉक्स का सिंबल है। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये सारा काम हम एक्सेल में भी तो कर सकते थे, तो फिर हमने गूगल फाइनेंस शीट का यूज क्यों किया। तो इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम बहुत सारे डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। इवन शेयर की प्राइस भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो सकती है। बट ये सब करने के लिए गूगल फाइनेंस शीट का पहला रूल है कि सिंबल के आगे हमेशा NSE लिखा होना चाहिए, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हो सकता है कि ये कंपनी NSE में तो लिस्ट है लेकिन US के स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट है, तो गलत डेटा ना आ जाए, इसलिए हर स्टॉक के आगे NSE लिखा होना जरूरी है। अब NSE लिखने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होगा जिससे हर स्टॉक के नाम के आगे ऑटोमेटिकली NSE लिखा हुआ आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और जब ये शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें भी ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगा हुआ होगा। तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं NSE सिंबल, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, मैं सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ये फॉर्मूलाज इजीली गूगल में मिल जाते हैं तो आपको इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस फॉर्मूला को मैं आपको समझा देता हूं। तो NSE तो आप समझ रहे हैं कि हमें NSE लगाना है नाम के आगे। अब इसमें जो A2 लिखा है इसका मतलब है A कॉलम की सेकंड रो,
ए कॉलम की सेकंड रो में रिलायंस लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूला का मतलब है कि ए कॉलम की सेकंड रो में जो लिखा है उसके आगे तुमने एनएससी लगाना है। तो जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो इसके नाम के आगे एनएससी आ गया है। अब इसको बाकी में कॉपी करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है और उसके बाद नीचे हम जब पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर आप चेक करेंगे तो हर स्टॉक के नाम के आगे एनएससी लिखा हुआ आ चुका है। अब जो नेक्स्ट डेटा हमें चाहिए वो है शेयर की प्राइस, यानी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो हर स्टॉक की चाहिए। तो या तो हम एक एक स्टॉक की सर्च करके लिखें या फिर हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखा दें। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ करंट मार्केट प्राइस। अब शेयर की प्राइस फेच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला है इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस ब्रैकेट B2 प्राइस। तो जब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं ना तो यहाँ पे इस स्टॉक की जो भी प्राइस होगी वो यहाँ पे फैच होके आ जाएगी। देखो लोड हो रही है, रिलायंस की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हमने B2 इसलिए लिखा है क्योंकि B कॉलम की सेकंड रो में NSE रिलायंस लिखा है, तो उसकी प्राइस यहाँ पे फैच होके आ गई है। अब अगर हम बाकी स्टॉक्स की भी प्राइस पता करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इसको कॉपी कर लेना है, इस फॉर्मूला को, और बाकी सभी जगह पे पेस्ट कर देना है। जब हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो आपने सिर्फ Ctrl+C प्रेस किया, उसके बाद इसको नीचे तक आप लेकर गए और जब आपका जो एंड स्टॉक है वहां तक आप लेके गए और इसके बाद जब आप Ctrl+V प्रेस करेंगे वैसे ही यहाँ पे सब स्टॉक्स की प्राइस आ जाएगी। और ये जो फॉर्मूला है ये अपने हिसाब से हर जगह पे चेंज होके उससे पहले वाले कॉलम में जो स्टॉक है उसकी प्राइस बता देगा। तो यहाँ पे देखो ये जो प्राइस है ये रिलायंस की प्राइस है, इसके बाद इंफोसिस की प्राइस आपको दिखाई दे रही है, फिर आपको ICICI बैंक की दिखाई दे रही है। तो सभी की प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है और जब भी आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे या फिर हर 20 मिनट्स के बाद ये जो प्राइस है ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। तो अब हमारे पास NSE में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले 100 स्टॉक्स के नाम है और उनकी मार्केट प्राइस भी है, लेकिन हम 100 के 100 स्टॉक्स में तो ट्रेड करेंगे नहीं। तो अब हमें 5 डेटा और चाहिए जिससे हम पता करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट होने वाला है, और वो डेटा है 10 डे का मूविंग एवरेज, 30 डे का मूविंग एवरेज, 60 डे का मूविंग एवरेज, 90 डे का मूविंग एवरेज, 120 डे का मूविंग एवरेज और 200 डे का मूविंग एवरेज। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक आउटपुट का भी कॉलम बना देता हूँ जो हमें बताएगा कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा नहीं। इसके लिए भी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो हम बाद में लगाएंगे, पहले हम मूविंग एवरेज निकाल देते हैं। तो मूविंग एवरेज निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एवरेज निकाल रहे हैं गूगल फाइनेंस में जाके A2 का। A2 क्या है, यहाँ पे रिलायंस है, उसकी प्राइस का और कब की, पिछले 365 दिन की। लेकिन जब हम 365 दिन की प्राइस का एवरेज निकालेंगे तो वो तो 365 डेज का मूविंग एवरेज होगा। तो इसके लिए हमने लास्ट में लिमिट लिखा है 10। तो लिमिट को 10 करने के बाद ये 10 ही दिन का मूविंग एवरेज देगा। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 10 दिन का मूविंग एवरेज निकल कर आ गया है। अब अगर आप 30 डेज का मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जो 10 लिमिट थी उसको चेंज करके 30 कर देना है। जैसे ही आप 30 करेंगे तो इसके बाद ये 30 डेज का मूविंग एवरेज निकालेगा। ऐसे ही 60, 90, 120 और 200 के लिए भी आपने सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बस लिमिट को उस हिसाब से चेंज कर देना है। ऐसे हमारे सामने रिलायंस के सभी डेज के मूविंग एवरेज निकल कर आ चुके हैं। अब अगर आपको बाकी स्टॉक्स के भी मूविंग एवरेज निकालने हैं तो आपको बस रिलायंस वाले फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है और नीचे तक एक्सपेंड करने के बाद Ctrl+V प्रेस करके इसको पेस्ट कर देना है। ऐसे इन सभी के सभी डेज के मूविंग एवरेज आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। इसको लोड होने में 2-3 सेकंड का टाइम लग सकता है क्योंकि ये इंटरनेट से सारा डेटा फेच करता है। तो अब हमारे सामने सभी स्टॉक्स का सभी डेज का मूविंग एवरेज निकल कर आ चुका है। तो अब हमें ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड लेना है जिनमें ब्रेकआउट होने वाला हो, और किस स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला है यह हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर कोई स्टॉक अपने 10, 30, 60, 90 और 120 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज को उसने अभी क्रॉस नहीं किया है। तो जैसे ही वो अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो वहां पर उस स्टॉक में ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर स्टॉक को बाय करना बेस्ट रहेगा। और अगर कोई स्टॉक अपने 10, 30, 60, 90 और 120 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही वो 200 डेज के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो उसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक सेल करने के लिए बेस्ट रहेंगे। अब ये सब अगर आप मैनुअली देखेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने आउटपुट का एक कॉलम बना रखा है जिस कॉलम में ये सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आ सकता है। बस इसके लिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा।
वो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने इस फॉर्मूला में लिखा है कि अगर C2 D2 से ज्यादा है, C2 का मतलब है C कॉलम की सेकंड रो जो कि रिलायंस की करंट मार्केट प्राइस है, और D2 का मतलब है D कॉलम की सेकंड रो जो कि 10 डेज का मूविंग एवरेज है रिलायंस का। तो हमने लिखा है अगर C2 D2 से ज्यादा है, यानी रिलायंस की प्राइस 10 डेज के मूविंग एवरेज से ज्यादा है, 30 डेज के मूविंग एवरेज से ज्यादा है, 60 डेज के मूविंग एवरेज से ज्यादा है, 90 डेज के मूविंग एवरेज से ज्यादा है और 120 डेज के मूविंग एवरेज से ज्यादा है, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेज से कम है, तो ऐसे स्टॉक्स आगे हमने लिखा है बेस्ट फॉर बाय अबव 200 डे मूविंग एवरेज, यानी ऐसे स्टॉक्स हमारे लिए बाय करने के लिए बेस्ट होंगे। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, तो ऑटोमेटिकली वो आउटपुट में लिखा आ जाएगा। और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर जो C2 है, जो करंट मार्केट प्राइस है, वो अगर D2 से कम है, 30 डेज के मूविंग एवरेज से भी कम है, यानी E2 से कम है, F2 से कम है, G2 से कम है, H2 से कम है और 200 डेज के मूविंग एवरेज यानी I2 से ज्यादा है, तो ऐसे स्टॉक्स हमारे लिए सेल करने के लिए बेस्ट होंगे। तो ये भी आउटपुट में लिखा आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी स्टॉक्स हैं उन सबको अवॉइड करना है, ये भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया है। तो जैसे ही इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे डाला तो लिखा आ गया अवॉइड, यानी ये जो स्टॉक है ये हमें अवॉइड करना है। अब इसको हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला को कॉपी करना है, नीचे तक एक्सपेंड करना है और उसके बाद पेस्ट कर देना है। इससे जो स्टॉक्स अवॉइड करने वाले होंगे उनमें अवॉइड लिखा आ जाएगा, जो बाय करने वाले होंगे उनमें बाय लिखा आ जाएगा और जो सेल करने वाले होंगे उनमें सेल लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन से स्टॉक को आपको बाय करना है, कौन से को सेल करना है, कब बाय करना है और किसको अवॉइड करना है। तो अब आपको स्टॉक्स ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी भी मजा नहीं आ रहा है। मजा तब आता है जब जिन स्टॉक्स को हमें बाय करना है या जिन स्टॉक्स को हमें सेल करना है वो हमें एक ही जगह पे नजर आ जाते और किस प्राइस में बाय या सेल करना है वो भी हमें दिखाई देता, तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक थर्ड शीट बनाई है। इस शीट में हमने सबसे पहले दो कॉलम बना रखे हैं जिसमें लिखा है व्हाट टू बाय और व्हाट टू सेल। उसके बाद नीचे हमने स्टॉक का नाम दे रखा है, फिर उसका ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे बाय करना है, फिर स्टॉक का नाम और फिर कब सेल करना है। अब यहाँ पे हमने नीचे फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, जैसे टॉप 100 जो हमारी शीट है उसमें अगर कोई बाय करने वाला ऑप्शन है और उसकी प्राइस क्या है वो यहाँ पे दिख जाएगा, और अगर कोई सेल करने वाला है और उसकी प्राइस क्या है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब क्योंकि आज जो मार्केट है ये नेगेटिवली चल रहा है, ये देखिए निफ्टी जो है आज नेगेटिव है, तो इसलिए आज कोई भी हमें बाय करने वाला स्टॉक यहां पे नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ सेल करने वाले स्टॉक्स हमें यहां पे नजर आ रहे हैं। अब मान लो अगर आप भारतीय एयरटेल के स्टॉक को शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 750 रुपीज़ की प्राइस को जब ये क्रॉस करता है तब आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अभी इसकी प्राइस 756 रुपीज़ चल रही है, तो अगर इसकी प्राइस 750 रुपीज़ एंड 17 पैसे से नीचे आती है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपको स्टॉक्स के नाम और किस प्राइस में उन्हें बाय या सेल करना है ये ऑटोमेटिकली नजर आता रहेगा। बस आपको इस शीट को रिफ्रेश करना है और आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे। और क्योंकि हमने ये शीट गूगल में बनाई है तो इसलिए यहाँ पे जो स्टॉक्स की प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि प्राइस रियल टाइम में अपडेट नहीं होती है, हर 20 मिनट के बाद अपडेट होती है या फिर जब आप रिफ्रेश करते हैं तभी अपडेट होती है। इस शीट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे आप इस शीट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ दिनों तक यूज भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो आपको NSE की साइट पे जाना होगा, वहां से आपको भाव कॉपी को डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद शीट 1 में जाके उस डेटा को आपने पेस्ट कर देना है, फिर जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड वैल्यू है उसके बेसिस पर उसको शॉर्ट कर देना है जिससे टॉप 100 स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे, फिर उन स्टॉक्स को आपने कॉपी करना है और यहां पर जो नाम है सिर्फ नाम को चेंज कर देना, बाकी डिटेल्स वो ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। और इसके बाद जब आप शीट 3 में जाएंगे तो आपको वापस नए स्टॉक्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।